महिला दिवस के अवसर पे एक मेरे ही छात्र ने, एक जिसका नाम मंजीत कुमार यादव है, उसने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, मुझे काफी बेहद पसंद आता है और मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों के सामने और सब लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करूं। महिलाओं पे है आधारित और मंजीत कुमार यादव ने इसको लिखा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने लिखा, जिसको मैं इस सबको अभिव्यक्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। किस हक से कहूं बतला दो कि ये पावन मेरी धरती है, राजनीति के घेरे में यहां हर रोज बेटियां मरती हैं, हर रोज यहां हिंदू मुस्लिम का दंगा होना जायज है, हर रोज यहां हिंदू मुस्लिम का दंगा होना जायज है, चुनावी माहौल में नेता का नंगा होना जायज है, इन रोज रोज की वारदातों से क्या खून तुम्हारा गर्म नहीं, इन रोज रोज की वारदातों से क्या खून तुम्हारा गर्म नहीं, हवस के भूखे दरिंदों का है होता कोई धर्म नहीं, हवस के भूखे दरिंदों का है होता कोई धर्म नहीं। जाति पाति का मुद्दा छोड़ो, गौर करो इन बातों में, अजीब ही मिन्नत बहुत हुई, अब हथियार उठाओ हाथों में, अब हथियार उठाओ हाथों में, चीख चीख कर कह रही है, चीख चीख कर कह रही है, सुनील सुन लो नन्ही किलकारी को, फांसी दो गोली मारो या जिंदा जलाओ बलात्कारी को, चीख चीख के कह रही सुनील सुन लो नन्ही किलकारी को, फांसी दो गोली मारो या जिंदा जलाओ बलात्कारी को, खत्म कर दिया जीवन उसका, खत्म कर दिया जीवन उसका था जिससे तेरा बैर नहीं, खत्म कर दिया जीवन उसका था जिससे तेरा बैर नहीं, निर्भया ट्विंकल आसिफा के कातिल सुन ले, निर्भया ट्विंकल आसिफा के कातिल सुन ले, अब तो तेरी खैर नहीं, बीच चौराहे पर कत्ल करेंगे, बीच चौराहे पर कत्ल करेंगे, कबूल नहीं कोई विनती होगी, अब अंक वही काटेंगे जिससे नामर्द में तेरी गिनती होगी, अब नामर्द में तेरी गिनती होगी, बीच चौराहे पर कत्ल करेंगे, कबूल नहीं कोई विनती होगी, अब अंक वही काटेंगे जिससे नामर्द में तेरी गिनती होगी, नामर्द में तेरी गिनती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं कहना चाहूंगा कि दिव्यांग दोस्तों को फांसी पे फांसी टंकी गई, खुशी की बात है कि 20 तारीख को, 20 मार्च को फांसी इस बार सुनिश्चित कर दी गई है और न्याय की गुहार निर्भया की मां लगा रही है, तो हम चाहेंगे कि सभी बहने भाई बेटी